सिंहासन बद्दीसी। सिंहासन बत्तीसी। पंद्रहवीं पुतली सुंदरवती। राजा की हर चीज प्रजा के हित की रक्षा के लिए होती है। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैन राज्य की समृद्धि आकाश छूने लगी थी। व्यापारियों का व्यापार अपने देश तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दूर के देशों तक फैला हुआ था। उन दिनों एक सेठ था जिसका नाम पन्नालाल था। वो बहुत ही दयालु और परोपकारी था। चारों ओर उसका यश था। वो दीन दुखियों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसका पुत्र था हीरा लाल। वो भी पिता की ही तरह नेक और अच्छे गुणों वाला था। जब वो विवाह योग्य हुआ तो पन्नालाल अच्छे रिश्तों की तलाश करने लगे। एक दिन एक ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि समुद्र पार एक नामी व्यापारी है जिसकी कन्या बहुत ही सुशील तथा गुणवती है। पन्नालाल ने फौरन उसे आने जाने का खर्च देकर कन्या पक्ष वालों के यहाँ रिश्ता पक्का करने के लिए भेजा। कन्या के पिता को रिश्ता पसंद आया और शादी पक्की कर दी गई। विवाह का दिन जब समीप आया तो मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी नाले जल से भर गए और द्वीप तक पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। बहुत लंबा एक मार्ग था, मगर उससे विवाह की तिथि तक पहुंचना असंभव था। सेठ पन्नालाल के लिए ये बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ। इस स्थिति के लिए वो तैयार नहीं था, इसलिए बेचैन हो गया। उसने सोचा कि शादी की सारी तैयारी कन्या पक्ष वाले कर लेंगे और किसी कारण बारात नहीं पहुंची तो उसको ताने सुनने पड़ेंगे और जगह सही होगी। जब कोई हल नहीं सोचा तो विवाह तय कराने वाले ब्राह्मण ने सुझाव दिया कि वो अपनी समस्या राजा विक्रमादित्य के समक्ष रखे। उनके अस्तबल में पवन वेग से उड़ने वाला रथ है और उसमें प्रयुक्त होने वाले घोड़े हैं। उस रथ पर 8-10 लोग वर सहित चले जाएंगे और विवाह का कार्य शुरू हो जाएगा। बाकी लोग लंबे रास्ते से होकर बाद में सम्मिलित हो जाएंगे। सेठ पन्नालाल तुरंत राजा के पास पहुंचा और उसने अपनी समस्या बताकर हिचकिचाते हुए रथ की मांग की। विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा कि राजा की हर चीज प्रजा के हित की रक्षा के लिए होती है, और उन्होंने अस्तबल के प्रबंधक को बुलाकर तत्काल उसे घोड़े सहित वो रथ दिलवा दिया। प्रसन्नता के मारे पन्नालाल को नहीं सोचा कि वो विक्रम को धन्यवाद कैसे दे। जब वो रथ और घोड़े सहित चला गया तो विक्रम को चिंता हुई कि जिस काम के लिए सेठ ने रथ दिया है कहीं वो कार्य भीषण वर्षा की वजह से बाधित न हो जाए। इसलिए उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त बेतालों का स्मरण किया और उन्हें सकुशल वर को विवाह स्थल तक ले जाने तथा विवाह संपन्न कराने की आज्ञा दी। जब वर वाला रथ पवन वेग से दौड़ने को तैयार हुआ तो दोनों बेताल छाया की तरह रथ के साथ चल पड़े। यात्रा के मध्य में सेठ ने देखा कि रास्ता कहीं भी नहीं दिख रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी है, तो उसकी चिंता बहुत बढ़ गई। उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। तभी अविश्वसनीय घटना घटी। घोड़ों सहित रथ जमीन के ऊपर उड़ने लगा। रथ जल के ऊपर ही ऊपर उड़ता हुआ निश्चित दिशा में बढ़ रहा था। दरअसल बेतालों ने उसे थाम रखा था और विवाह स्थल की ओर उड़े जा रहे थे। निश्चित मुहूर्त में सेठ के पुत्र का विवाह संपन्न हो गया। कन्या को साथ लेकर जब सेठ पन्नालाल उज्जैन लौटा तो घर के बदले सीधे राज दरबार गया। विक्रमादित्य ने वर वधु को आशीर्वाद दिया। सेठ पन्नालाल घोड़े और रथ की प्रशंसा में ही खोया रहा। राजा विक्रमादित्य उसका आशय समझ गए और उन्होंने अश्व तथा रथ उसे उपहार स्वरूप दे दिया। आप सुन रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की कथाएं। इस कथा के लिए वाचन था संज्ञा टंडन का, प्रस्तुति लिब्रा मीडिया ग्रुप।